गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कंपैरिजन वीडियो करूंगी, तीन प्रोडक्ट्स का एक साथ कंपैरिजन होगा और आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके की ऑयली चीज़ें डिशवॉशर में धुल पाती है या फिर नहीं। जो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे, हम टैबलेट के साथ टेस्ट करेंगे, बिकॉज आज मेरे घर में बना है घी और घी के बर्तन आपको पता है किस तरीके के होते हैं। तो ये जो बर्तन इस तरीके के धुलेंगे तो घी का कुछ इस लेवल का बर्तन है और चाय का भगोना भी देख सकते हैं एज इट इज़, उसमें पानी फिर से नहीं डाला है। तो हम टेस्ट करेंगे, किसी भी चीज़ को मैं वॉश नहीं करूँगी, एज इट इज़ जो आपको दिख रहा है वो सेम मैं डिशवॉशर में डालूंगी, दिखाऊंगी कैसा है। उसके बाद हम तीन प्रोडक्ट का एक साथ टेस्ट करेंगे, तो पहले टैबलेट टेस्ट होगा, उसके बाद जो डिटर्जेंट होता है उसके साथ टेस्ट करेंगे। सेम वीडियो में तीन एक साथ कर दूंगी मैं, और जो थर्ड है वो लिक्विड फॉर्म है तो उसको भी टेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट मैं फटाफट बर्तन लगा देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कैसे धोता है या फिर नहीं धोता है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो सारे के सारे बर्तन लग गए हैं इस डिशवॉशर में, दिखाती हूँ, बहुत मुश्किल से लगे हैं। पहले नीचे वाला दिखा देती हूँ कितना गंदा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमें बिल्कुल ग्रीसी बर्तन देखने हैं कि कैसे धुलते हैं या नहीं धुलते हैं। तो बिल्कुल रॉ अनफिल्टर्ड आपको वीडियो में दिखाती हूँ, लेकिन तब भी लोग कहते हैं कि मैंने धो के रखे हैं। ये देख सकते हैं, मैं पहले भी दिखाते इसमें इतना ही गंदा है, सो एज सच मैंने नहीं किया। ये देख सकते हैं, और एक्चुअली जो बर्तन एक बार सेट हो जाता है ना, फिर एक मिनट में ठीक कर देते, फिर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मुझे ये वाले प्लेट को उधर रखना पड़ गया था, क्योंकि बार बार नीचे गिर रहा था ये। और ये है घी की कढ़ाई, कैसे दिखाऊँ, गिर जाएगा सारा का सारा, आई थिंक ग्रीसिंग। एक मिनट में ना फ्लैश ऑन कर देते, फिर आपको शायद अच्छे से दिखेगा। ये रहा, तो ऊपर भी देख सकते हैं कितनी गंदगी है, और अंदर ये रहा, तो कुछ भी साफ नहीं किया है मैंने। और ये रही कढ़ाई, जो कि वो भी अटक सी गई है। ये रही कढ़ाई, में पूरी पूरी नहीं दिखा सकती बिकॉज ये पूरा अच्छे से लग गए हैं, और इनको उठाने का मतलब है फिर से मेहनत करना। कप थोड़े से गंदे हैं, ज़्यादा गंदे नहीं है। और ये भी चाय का कप है, ये है चाय का, ये रहा देख सकते हैं कितना गंदा है चाय का कप। और ये है मलाई का भगोना, ये रहा अच्छे से लगा दिया मैंने इसको। अब इसको ऊपर का दिखा देती हूँ आपको, ऊपर का ऐसा करके दिखा देती हूँ, बिकॉज उनको निकालना और फिर मेरे को लगाना बहुत दिक्कत होगी। ये रहा चाय का भगवाना कितना गंदा है। उसके बाद है ये रायता का है, ये है घी का जो खाया था थोड़ा सा, ये रहा चाय का, ये थोड़ा सा गंदा नहीं है। और ये वाला भी थोड़ा सा ही है, तो देख सकते हैं ज़्यादा ओवर नहीं है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी घी का है, ये भी देख सकते हैं। और ये रहे भगोने, जो चीज़ें यूज़ हुई थी घी में सारे एज इट इज़ है, तो मैंने कुछ भी साफ नहीं किया है। और अब हम जो फर्स्ट टेस्ट करके आपको दिखाऊंगी कि इतने गंदगी में कैसा साफ करता है, तो मैं डाल रही हूँ इसमें ये रहा टैबलेट, ये है फिनिश का टैबलेट, और आपको विद पॉलीथीन ही लगाना है, तो मैं दिखा देती हूँ। ये रहा, ये पॉलीथीन है, खुद से घुल जाता है जब आप ये लगाएंगे, तो आपको इसमें रिंसेड या फिर डिटर्जेंट किसी चीज़ की भी जरूरत नहीं होती, ऑल इन वन होते हैं ये। बस यहाँ पे मैंने किया बंद, और सबसे पहले आपको जो करना होता है वो करना होता है इसको चेक कि कहीं फंस ना जाए बर्तन, और इसको करना है ये रहा बंद। और अब हम मिलेंगे 1 आवर 30 मिनट्स के बाद। ये रहा, मे बी वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है क्योंकि फर्स्ट ये रिव्यू है, इसके बाद 2 और रिव्यू होंगे डिटर्जेंट के और होंगे लिक्विड के। तो आई होप कि आप बने रहेंगे, पूरा वीडियो चेकआउट करेंगे। तो ये रहा, अब मिलते हैं 1:30 मिनट्स के बाद, बिकॉज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, धुलने के बाद मिलते हैं। पहले बता दूँ, मैंने एक एक्स्ट्रा ये डाला है, पता चले बाद में लोग कहते हैं कि आपने एक एक्स्ट्रा डाल दिया। और वो रहा टैबलेट, आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है उसके बीच में धुल रहा है। और हम करते हैं इसे फिर से बंद, तो मिलते हैं 1 to 25 मिनट्स के बाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड हो चुका है, सो मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी, और कुछ भी एडिटेड नहीं है, जो भी हुआ होगा ये रहा।
सो आपको इस तरीके से 1 आवर 30 मिनट्स के बाद इतने सूखे हुए बर्तन मिलते हैं, तो उसमें कोई भी बर्तन गीला नहीं रहता है, ऑलमोस्ट सूख जाता है। और आपको कॉपर और एल्यूमिनियम के बर्तन अब मना करते हैं इसमें धोने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली नीचे स्टील है ऊपर कॉपर है, इस वजह से मैंने इसको वॉश कर दिया था। और बहुत, अब मैं वन बाय वन करके आपको दिखाऊंगी कितना धुला है या कितना नहीं धुला है। सो स्टे ट्यून। सो अब देखते हैं वन बाय वन कि कितना धोया है कितना नहीं धोया है। तो मैं फर्स्ट ही दिखाती हूँ, ये रहा ऐसे धोया है इसने। जो नहीं भी धोया तो वो भी मैं बताऊंगी आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। स्टील के बर्तन बहुत अच्छे धोता है, बहुत ही अच्छे। और ये रहा, तभी मैंने मैक्सिमम जो अपने बर्तन रखे सारे के सारे स्टील के रखे हैं। और ये रखा था मैंने, तो यहाँ पे थोड़ा गंदा हो गया था, तो आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर साफ करा है इसने। स्टील की चीज़ें वेरी वेरी अच्छी तरीके से साफ होती है, ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से कप साफ हुआ है। ये रहा, क्योंकि जो मेन दिक्कत होती है वो होती है चाय के भगोने में धोने में, फिर स्टील की चीज़ें तो ठीक ही धोता है वो। ये रहा, ये देख सकते हैं कितना बढ़िया धोया है इसने। जो थोड़ा बहुत भी लगा है, मुझे नहीं लगता ये लगा है, ठीक धोया है इसने। मतलब देखिए, अगर आपको डेली यूज़ में अगर आप एक टैबलेट यूज़ करें, टैबलेट वैसे भी कॉस्टली पड़ता है, सो इस वजह से मैं डेली नहीं यूज़ करती हूँ। और लेकिन डिटर्जेंट में ना जो चाय वाय के भगवाने वो अच्छे से नहीं धुलते हैं। और ये रहा, मैं इसे यहाँ पर रख के दिखाती हूँ, ट्रस्ट मी गाइस, इसमें एक चीज़ भी नहीं लगी हुई है जहाँ पे गंदा है। और जो आपको थोड़ा बहुत काला काला दिख रहा है, तो ये होता है, ये एक्चुअली एल्यूमिनियम का है, जो कि आप डिश वॉशर में धोएंगे ना तो इसका कलर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। अगर आप डेली यूज़ में हैंड वॉश करेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मैं ऐसा अभी करती नहीं, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी स्टील के 2-3 बर्तन है, तो मैं ऐसे इतना नहीं करती। मतलब काला ही हुआ है, गंदा नहीं होता है, काला हुआ है बस। सो अच्छे से इसको वॉश करना है। अब देखते हैं ये फर्स्ट में कितना बढ़िया धोया है। तो ये बहुत ही माइनर कहेंगे, वैसे भी पानी लगा है कि क्या है आई डोंट नो, लेकिन जिस तरीके से गंदा था उस तरीके से बहुत अच्छा धोया है इसने। सो अगर आप मेरे से अगर बोलेंगे कि अगर मुझे कौन सा डेली में यूज़ करना, आप देख सकते हैं ये मलाई का भगवाना है, इसमें कुछ भी नहीं लगा है। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है और कौन सा आप यूज़ करना चाहेंगे डेली में, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इसका टैबलेट बहुत अच्छा है, लेकिन वो कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ता है। आपको आई थिंक 24 टैबलेट्स आते हैं, 400-500 के आसपास के पड़ते हैं। सो ये रहा, और अगर आपको थोड़ा सा जैसे कि पानी टपकता हो दिख रहा है, तो आप इसे थोड़ा सा ओपन करके रख देंगे ना, तो पानी जितना भी है सारा का सारा ठीक हो जाएगा, तो उसकी कोई इतनी टेंशन होती नहीं है। सो ये रहा दूसरा चाय का भगवान, देखिए मैं कह नहीं रही हूँ, मतलब अगर आपको बिल्कुल ही इतने लेजी हैं कि चाय में जब चाय बनती है तो उसमें अगर आप पानी नहीं डालने का मन है, तो आप टैबलेट यूज़ करिए। टैबलेट में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा है, ये देखिए मैंने लिटरली ऐसे ही बर्तन डाल दिए थे, और ये अब देख सकते हो बहुत बढ़िया बर्तन धो के निकले हैं। शायद ही कोई एक बर्तन होगा जो गंदा पड़ा, वो भी इसलिए हो सकता है कि ये रहा, ये थोड़ा पानी तो मैं छोड़ दूंगी अभी इसमें, वो इसलिए वो देख सकते हैं। अब अभी जो थोड़ा सा हल्का सा आपको दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बीच में रख दिया। अगर आपको बर्तन टैबलेट से धुलवाने हैं या इसमें ही धुलवाने, तो आपको थोड़ा खुला खुला करके छोड़ना पड़ेगा। ये भी बहुत अच्छा साफ हुआ है, ये घी का था ये भी बहुत अच्छा साफ हुआ मेरा। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपका बजट है, अगर आप डिटर्जेंट नहीं यूज़ करना चाहते तो मत करिए, इससे बढ़िया कि आप टैबलेट्स यूज़ करें। टैबलेट्स में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मतलब जितने भी गंदे बर्तन हैं आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। घी का आपने देख लिया कि घी के बर्तन किस तरीके के से होते हैं, ये देखिए बहुत अच्छे से अब मैं दिखा देती हूँ। और ये गंदा नहीं है, ये ऑलरेडी काला पड़ा हुआ है, निशान है किसी चीज़ का, ये ऑयल का, इसको बहुत बुरी तरीके से रगड़ना पड़ेगा। तो पहले से भी ऐसा था, ऐसा नहीं कि इसमें डालने से पहले था, मतलब जो भी घी के बर्तन थे वो देख सकते हैं कितना कितना साफ करके दिया है ये। हाँ सो आई डोंट थिंक सो कि दिखाने वाली बात है। अभी जो थोड़ी बहुत चीज़ें बची, ये तो सूखे हुए हैं ऑलरेडी, तो मैंने थोड़ा सा पानी हल्का होने दूँ, क्योंकि ऑलरेडी मुझे बर्तन को सेट करना पड़ेगा अच्छे से। सो ये रहे बेबी की बॉटल्स है जो कि मैं इसे में धोती हूँ, तो वो भी अच्छे से, ऑब्वियसली जब उसने उतना साफ किया तो सब तो साफ कर ही दिया होगा। ये रहा, तो तीनों बॉटल मैंने एक साथ लगा दी थी।
सो मेरे तरफ से तो ऑब्वियसली टैबलेट है वो 10/10 है, तो अगर आपका मन तो टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी, मैं चाय बनाऊंगी और रात में जब डिश वॉशर लगाऊंगी तो मैं लगाऊंगी लिक्विड के साथ, तो आपको लिक्विड के साथ भी दिखाऊंगी कि कितना अच्छा वो साफ करता है नहीं करता है। बिकॉज चाय में क्या होता है, जब चाय पीते हैं ना उसमें अगर आपने पानी नहीं डाला सूखा हुआ ना तो बिल्कुल नहीं धोएगा। सो मैं आपको दिखाऊंगी बिल्कुल सूखा हुआ कंडीशन में कि वो धोता है नहीं धोता। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। गाइस ये है सेकंड वीडियो। सो आपको मैंने पहले जो वीडियो दिखाया था वो दिखाया था टैबलेट का रिव्यू करके और डेमो करके कि कितना अच्छा होता है अगर आपने कुछ भी पानी वानी नहीं डाला है। तो अब मैं ये जो रिव्यू कर रही हूँ ये फिनिश ऑल इन वन मैक्स, जैसे कि टैबलेट होता है वैसे ही लिक्विड होता है। तो जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको रिनसेड डिटर्जेंट या फिर सॉल्ट की जरूरत नहीं है। तो जो टैबलेट हो टैबलेट फॉर्म में आता है, ये लिक्विड फॉर्म में आता है। तो अब दिखाती हूँ ये कितना अच्छा ये वॉश करता है। तो बर्तन इतने सही हैं लेकिन आप देख सकते हैं कितना घी वाले बर्तन, ये अगेन ये घी वाले हैं। वो एक चाय का भगोना है जिसमें बहुत ही हल्का पानी है, इससे ज़्यादा पानी डालना चाहिए। एक ये है और ये है, तो इसमें मैं ज़्यादा वॉश नहीं करूँगी, बस ये सब हटा दूँगी क्योंकि ये सब हटाएंगे नहीं तो डिश वॉशर में ब्लॉक हो सकता है। डिश वॉशर सब लगाते हैं फटाफट, फिर दिखाते हैं। सब आप देख सकते हैं मैंने डिश वॉशर लगा दिया है, तो आज इतने ही बर्तन है बिकॉज कम खाना बन रहा है अभी। सो आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा है, ये नहीं साफ होगा, इसको अपने आपको खुद से साफ करना पड़ेगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ये बहुत रगड़ना पड़ेगा, तो अभी तो ये भी साफ करके नहीं देने वाला है, इसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं कर दूंगी अभी, एक्चुअली मेरी कमर में बैक में बहुत पेन है तो मैं तो नहीं कर पाऊंगी, अपने हस्बैंड से करवा लूंगी, लेकिन कुछ दिन के बाद करवाऊंगी, अभी उनके पास अभी कुछ टाइम है। तो जो बर्तन है ये कुछ इतने गंदे हैं, ये रहे। इसको पहले एडजस्ट कर लेते फिर दिखाती हूँ। सो अब आपको अच्छे से दिखेगा, मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर दिया है। तो ये रहा और ये जो चाय का भगवाना है इसकी हालत ऐसी है। तो मैं इस वीडियो में फाइनल कर दूंगी बिकॉज दिस इज़ द लास्ट सीरीज ऑफ डिश वॉशर, मैं ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाने वाली। ये कुछ ऐसा है और ये चीनी का है। सो अभी इसमें एक छोटी सी कटोरी और एक दूध की बॉटल आएगी, बिकॉज हमें बेबी की दूध चाहिए तो वो आएगी। तो ये रहा ये कुछ ऐसा है, ठीक है ये हो गया नीचे का, और ऊपर का जो है ये रहा चाय का, ये रहा। क्योंकि मैंने ज़्यादा साफ़ नहीं किया है, लोग कहते हैं आपने बहुत ज़्यादा साफ करके डाल दिया, तो इस वजह से इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो अब हम यूज़ करेंगे दिस इज़ फिनिश ऑल इन वन शाइन लिक्विड, तो इसको यूज़ करूँगी मैं और लेट्स सी कि कैसा काम करेगा ये, क्योंकि इसका टैबलेट फॉर्म तो बहुत अच्छा काम करता है। तो इसका एक्चुअली मेज़रमेंट तो कुछ भी नहीं है कि आपको कितना देना है, मैं इसी में ही एग्जैक्ट इतना डाल देती हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने इतना पोर्शन डाल दिया है और इसको मैं कर रही हूँ क्लोज। और इसमें अगर अभी रिनसेट ख़त्म भी तो कोई दिक्कत नहीं बिकॉज ये ऑल इन वन है। तो फटाफट अभी मैं दूध उसका गर्म करती हूँ, वो सब लगा देती हूँ, फिर इसको एक बार में लगा दूँगी बिकॉज मेरे बीच में आके वो दोनों चीज़ें लगानी पड़ेगी। सो ये रहा, अब इसको स्टार्ट करती हूँ, ये चेक कर लूँ बिकॉज अगर एक बार लग गया और फिर अगर इसके फैंस टकराने लग गए तो अच्छे से बर्तन धुलेंगे नहीं। सो ये आपको ये चेक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो सबसे स्पॉइल बर्तन मैं अभी आपको डेमो करके दिखा रही हूँ बिकॉज इससे ज़्यादा स्पॉइल तो हमारे घर में बर्तन होते नहीं है, कुछ ने कमेंट किया था ये रहा। तो मिलते हैं 1:30 के बाद या फिर कल ही मिलेंगे या तो रात में देख लूँगी मैं, बिकॉज अभी मुझे दो बॉटल्स भी लगानी तो वो लगाऊंगी, उसके साथ में थोड़ी देर के बाद आपको दिखाऊंगी, ठीक है। सो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे एक्स्ट्रा कुछ बर्तन लगाने हैं, तो अभी इसे करेंगे यहाँ से पॉज और इसे करेंगे ओपन। इस तरीके से ये हो रहे हैं वॉश, देख सकते हैं पानी कितना गंदा हो रखा है, इसने पूरा लिक्विड यहाँ पे ले लिया है। सो मैं फटाफट लगाऊंगी ये कटोरी यहाँ पे लगा देते हैं, बहुत गर्म है वहाँ पे लगा दी मैंने एक, और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं ये, और ये दूध की बॉटल लगा रही हूँ इसमें यहाँ पे, लगा रही हूँ ये बहुत गर्म है तो आप ध्यान से चेक करिएगा यहाँ पे कुछ कुछ लग रहा है। कुछ तो लग रहा है,
तो ये ना एक्चुअली देख सकते हैं ये ऊपर से नीचे गिर गया है, तो ये टकरा रहा था बहुत बुरी तरीके से। अच्छा मैंने सही टाइम पे उसको ओपन कर दिया, वैसे कोई दिक्कत होती नहीं है लेकिन तब भी गिरा। इसको मैंने कर दिया चेक, यहाँ पे कर दिया, अभी हो गया। अब हम मिलेंगे सीधे अब सुबह के टाइम में, बिकॉज अब हो गया लेट, और बताऊंगी सुबह आपको देख के कि कैसा इसने बर्तन धोया है या फिर नहीं धोया है, क्योंकि डिटर्जेंट का तो आपको पता है वो टैबलेट्स और इस लिक्विड के बराबर काम नहीं कर सकता। इस लिक्विड पर भी मुझे इतना भरोसा नहीं है जितना मुझे टैबलेट पर, टैबलेट बहुत अच्छा साफ़ करता है। तभी देखेंगे कि इसने किस हद तक साफ़ किया, और एक छोटा रिव्यू करूँगी आपके लिए डिटर्जेंट के साथ भी इसी वीडियो में। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी लेकिन आपको बार बार बहुत सारे अलग अलग चैनल नहीं देखने पड़ेंगे, एक ही वीडियो में ही आपको सारा कुछ डिटेल रिव्यू मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, और कल मिलते हैं, बाय बाय। देखिए ऑलरेडी बंद हो गया है, तो मैं यहाँ से करेंगे पॉज, दिखाते हैं आपको किस तरीके का। तो आप ये देख सकते हैं ये पूरा खाली हो गया है, और ये रहे बर्तन कितने वॉश में नहीं हुए हैं, ये दिखाती हूँ। ये रहा, बहुत क्लीन करता है ये, एक है ये बहुत बढ़िया क्लीन किया, देख सकते हो कितना चमक रहा है ये, जो कितना गंदा था ही नहीं। इसको दिखाती हूँ, देख सकते हैं इसने इस तरीके से जो रगड़ने वाली चीज़ है, तो इसने इस तरीके से उसको नहीं किया है साफ। अब देखते हैं चाय का भगोना, ये भी काफ़ी हद तक साफ़ है, थोड़ा सा निशान है जिसको हम ठीक ठाक कह सकते हैं, लेकिन हम टैबलेट में इतना भी नहीं था। देन प्लेट, ये है। सो हम थे यहाँ, ये रहा, काफी बढ़िया क्लीन किया इसने इसको भी, और देखेंगे ये भी बहुत अच्छा क्लीन किया है। बस जो रगड़ने वाली चीज़ है उसको रगड़ नहीं पाया, जैसे कि ये है, इसको तो टैबलेट भी क्लीन नहीं कर रहा, देख सकते हैं। इसे हाथ से बहुत अच्छे से घिसना पड़ेगा तो जाके ये सब क्लीन होता है, तब इस नहीं हो पाता ये सब क्लीन। ये देख सकते हैं इसे भी बहुत अच्छा क्लीन कर दिया इसने, और ये दूध की बॉटल, ये भी बहुत बड़े क्लीन है, बस इसमें पानी है थोड़ा सा, वो मैं एज इट इज़ इधर ही छोड़ दूँगी। यहाँ पर कप, थोड़ा सा निशान है इसमें, और ये रहा, भी काफ़ी अच्छा क्लीन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्लीन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्लीन है। फटाफट वीडियो वो करते हैं ख़त्म। ये रहा तो उसने करा है ठीक, लेकिन एज़ कम्पेयर टू टैबलेट थोड़ा सा कम है। मतलब ये है कि अगर आपके पास टैबलेट नहीं तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। मैं कल आपको दिखाऊंगी, ये वीडियो जल्दी ख़त्म करनी है, चाय के भगवाने दिखा दूंगी कल लास्ट वीडियो होगा ये पूरे सीरीज़ का, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। हाय गाइस, ये थर्ड सीरीज़ है और ये लास्ट इस वीडियो के अंदर सीरीज़ आपको मिलेगी, जिसमें मैं जो नॉर्मल डिटर्जेंट जो मैं डेली यूज़ करती हूँ उसको आपको बताऊँगी कि कैसा साफ करता है। तो देख सकते हैं आज इतना, ये इसमें दाल बनी है, ये एक एक्स्ट्रा प्लेट है, ये दूध का भगोना है, वो चाय के हैं, जितने नॉर्मली मैंने पहले वीडियो में थे जिसमें हल्का पानी डालता उतना ही इसमें भी डाला है, और मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं क्योंकि मुझे पता है कि उसमें इतना अच्छे से साफ नहीं होता है, तो कुछ साफ मुझे करना पड़ सकता है। सो ये रहा, तो देखते हैं कैसे करता है, फटाफट मैं इसे लगाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। सो आपने देख लिया, मैंने फटाफट सारे के सारे डिश वॉशर लगा दिया है, बर्तन लगा दिए, तो ये इतना गंदा है। देखिए इस, ये जो डिटर्जेंट है एक्चुअली ये आया भी शायद थोड़ा सा ख़राब है कि क्या है मुझे नहीं पता, पहले तो था तो वो अच्छा खासा साफ़ कर देता था, लेकिन ये ना पता नहीं पत्थर बन गया है, डोंट नो वाई। सो देख सकते हैं कितना अच्छा धोएगा नहीं धोएगा, ये तो मैं आपको दिखाई दूंगी, ये ऐसा है कुछ, और ये हल्का है, ये दो बॉटल है बीबी के बॉटल्स, और ये एक मिनट में दिखा देती हूँ, ये रहा, ये इस लेवल का, जो तो अंदर आपको गंदा काला दिख रहा है ना, वो तो शायद ही ये साफ करता है।
इसका कुछ ऐसी खास उम्मीद मैंने लगाई भी नहीं है। और फिर है ये चाय का भगोना, सॉरी दूध का, सो ये है दूध का भगोना। ये रहा, तो ये रहा कुछ इस तरीके से गया नीचे का ट्रे। और ये रहा, ये भी चाय का है, वो राइस बना था उसमें। और ये तो चाय के कप, सो आप देख सकते हैं ये रहा कप, एक ये और एक ऐसा है ये। और कुछ ऐसा कुछ खास बर्तन है नहीं, तो मैं फटाफट लगा देती हूँ बिकॉज वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो चुकी होगी, क्योंकि काफ़ी तीन वीडियो एक साथ बनी है विद डेमो। सो ये रहा हमें लास्ट में, ओफो ये हो गया। अब हमें डालना है यहाँ पे, और जब भी आप ये डिटर्जेंट डालेंगे तो आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जो रिनसेड है वो ख़त्म है कि नहीं है। तो रिनसेड आई थिंक, मुझे लगता है थोड़ा सा ख़त्म हो चुका है, तो मैं वो भी दिखा दूँगी कि कैसे डालते हैं रिनसेड, वो भी बहुत ईजी है। गिर गया ढक्कन, ये रहा। और यहाँ पे थोड़ा सा डालते हैं, और देख सकते हैं ये क्वालिटी बिल्कुल बेकार आई है, अदरवाइज़ अगर अच्छी क्वालिटी होती तो ऐसे पत्थर नहीं जमते हैं। तो इतना मैंने डाला है, अभी मैं डालूँगी इसमें रिनसेड। आई एम सॉरी, एक्चुअली मैंने शायद इसे वीडियो ऑन करना भूल गई थी, कोई बात नहीं। ये मैंने रिनसेड भर दिया है, ऐसे करते हैं और अब मिलेंगे सीधे 130 मिनट्स के बाद। पहले बता दूं, मुझे एक्चुअली थोड़ा एक्स्ट्रा सामान अभी इसमें रखना है, जैसे कि ये है, इसको मुझे डालना है, इस वजह से मैंने इसे अभी पॉज किया है। तो सोचा वीडियो डाल दो, अदरवाइज फिर लोग कहेंगे आपने अपने मन से डाल दिया, आपने एक्स्ट्रा बर्तन डाल दिए, बहुत रोने लग जाते हैं भाई साहब लोग। ये रहा, और ये जो डाल देती हूँ ऐसे, और ये जो है इसको डाल देंगे हम। तब देख सकते हैं आधे से ज़्यादा उसने वॉश कर दिया है। अब जो इसका वो फैन है वो पहले एक बार कर देती हूँ। तो ये रहा इसका फैन, एक बार इसको चेक करना बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, अब मिलते हैं 126 मिनट के बाद। तो आपने देख लिया कि हो गया बंद, आपको दिखाती हूँ कि अब इसने कितना साफ किया है और कितना नहीं है। तो ये सब तो इतना तो कर ही देता है, लेट्स सी क्या क्या सफाई हुई है क्या नहीं हुई है। सो जब भी आप स्टील के बर्तन इसमें लगाएंगे ना, तो कुछ इस तरीके का हो जाता है, ये देख सकते हैं। तो ये ना आसानी से छूट जाता है, जो जूने होते हैं ना उससे आप रगड़ सकते हैं। मेरा फर्स्ट बहुत अच्छा साफ किया था, ये सब तो कर ही देता है साफ। ये गंदा है, हाँ थोड़ा सा गंदा पानी इसमें लगा हुआ है, इट्स नॉट गंदा एक्चुअली, गंदा पानी जो ऊपर का बहाव होगा वो नीचे गया है, तो यहाँ पे थोड़ा इकट्ठा हो गया, तो मैं उसको वॉश कर दूंगी फिर से। ये रहा बॉटल, ये भी ठीक है, और बहुत गर्म है भाई ये, लिटरली हाथ जल गया मेरा। तो ये रहा, और जो आपको निशान दिख रहे हैं ये जंग लगे हुए हैं या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ऑलरेडी साफ हो चुका है, गंदा नहीं है ये। और ये रहा, इसने इस तरीके से कुछ साफ़ किया है, थोड़ा बहुत आपको गंदा हल्का हल्का दिख रहा होगा। तो डिटर्जेंट से मैं पहले भी बोल रही थी कि मुझे कुछ खास उम्मीद होती नहीं है। अब ये रहा एक और, ये देख सकते हैं, मैं कह नहीं रही थी कि डिटर्जेंट से आपको इस तरीके का चीज़ मिलेगा। अगर आप यही चीज़ अगर आपने टैबलेट यूज़ करा होता ना, तो आपको इतना गंदा नहीं मिलता। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको साफ़ करने में दिक्कत नहीं है, बस आपको जूने से हल्का रगड़ देना है, साफ़ हो जाएगा, लेकिन काम बढ़ जाता है, ये चीज़ होता है डिटर्जेंट से। तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ के अंदर का भी जो रगड़ने वाली चीज़ है उसने एज इट इज़ छोड़ दी, लेकिन अगर आपने टैबलेट यूज़ करा होता तो आई डोंट थिंक सो कि छोड़ता वो। अब ये दिखाती हूँ इसने कितना किया, ये इसने अच्छे से साफ़ कर दिया है, थोड़ा सा है क्योंकि मुझे इसे रगड़ना ही पड़ेगा देखा जाए तो, क्योंकि मैं इकट्ठा करके रख देती हूँ जो मुझे साफ करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये होता है, अगर आप सस्ती चीज़ों का सोचेंगे ना तो थोड़ा कम करना पड़ेगा, चाय की चीज़ें तो कर ही नहीं पाता। ये देख सकते हैं, देख सकते हैं चाय की चीज़ें तो, इसलिए मैं आपको बिल्कुल रियल रिव्यू दिखा रही हूँ। ये सब तो ये साफ़ कर देता है, छोटी मोटी चीज़ें तो कर ही देता है, ये देख सकते हैं कब भी साफ़ है।
ये रहा, ये सब कर ही पाता है। ये थोड़ा पानी अब है इसमें तो इसे छोड़ देते हैं थोड़ा सूखने के लिए। और ये रहा, इसमें एज इट इज कुछ तो था नहीं, तो ये ठीक है, साफ है। ये रहा, और तो इसमें ये जो है ये सब तो साफ ही कर देता है, ये सच कोई दिक्कत नहीं है सब। अब मैंने आपको बता दिया कि अब आपको क्या चीज़ लेना। अगर आपको बजट में जाना है और थोड़ा सा काम वाम कर लेना है तो फिर आपको आप डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, मुझे दिख रहा है आपको ये जो चाय है, आज इस वीडियो का लास्ट वीडियो को, ये जो चाय है इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालूंगी, आपके सामने बिल्कुल पानी नहीं डालूंगी। जब इसमें जब मुझे निकालना होगा ना, हल्का हल्का सा पानी डालूंगी आपके सामने, उस टाइम दिखाऊंगी कि आपको टैबलेट में कितना साफ करता है फिर नहीं करता है। तो ये लास्ट टेस्ट होगा आज रात में, सो मैं आपको रात में दिखाऊंगी। अदरवाइज मेरे तो वर्डिक्ट आप समझ गए हैं क्या है। डिटर्जेंट है तो थोड़ा बहुत काम करना पड़ जाएगा, आपको देख सकते हैं ये नीचे का है तो हल्के जूनियस निकल जाता है, लेकिन टैबलेट यूज़ करेंगे तो उतना मेहनत नहीं लगती है। तो हम टेस्ट भी करेंगे उसके साथ, जिसमें मैं बिल्कुल पानी नहीं डालूंगी, आपके सामने दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, आज रात में ही वीडियो फाइनल हो जाएगा। थैंक यू। मैंने पहले कहा था कि मैं फटाफट एक रिव्यू दे दूंगी। ये है टैबलेट, और ये जो वही था जिसमें थोड़ा सा गंदा लगा था, तो मैं अभी वॉश नहीं करा, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये इसमें अच्छे से धुल जाएगा। और ये जो कपड़ा, ये भी मैं इसी में डाल देती हूँ, ये भी धुल जाता है, जो भी आप किचन का यूज़ करते हैं काफ़ी ईजिली धुल जाता है। तो ये रहा बिल्कुल सूखा, और ये रहा थोड़ा बहुत, इसको मैंने साफ़ नहीं किया है, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि टैबलेट से ये साफ़ हो जाता है। और ये नॉर्मल इसमें है, इसमें ऐसा कुछ गंदा नहीं है, भी दिखा देती हूँ क्योंकि क्विक। ये रहा देख सकते हैं इतना ही ज़्यादा है। ये रहा मैं ठीक से कर दूँ, ये रहा, और ये तो नॉर्मल है इसमें ग्लास में। ये रहा दूध का है, और ये रहा पूरा ऐसा। कप की बात करूँ तो ये आधा है, इस जो भी मैं उस टाइम दिखा रही थी मैंने साफ़ नहीं किया, ये सब देख सकते हैं कैसे है। ये थोड़ा सा गंदा है, ज़्यादा नहीं है, एक कप है चाय के। ये भूल गई थी मैं, ये रहा, तो इसका आप ऐसे ही लगा सकते हैं। फटाफट इसको मैं करूँगी ऑन और आपको दिखाऊंगी कि कैसे साफ करता है। ये रहा टैबलेट डाला है विथ पॉलीथीन, अभी लास्ट वीडियो है, मैं इसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेंथी वीडियो हो चुका है। अब हम मिलेंगे सुबह ही, आवाज़ आ गई, अब हम मिलेंगे सुबह बिकॉज अब हो गया लेट। ओ सॉरी, और मैं ये भूल गई रखना। ये रहा, इसको मैं कहाँ रखूँ, इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पे। ये रहा, तो मिलेंगे सुबह, देख सकते हैं हम सुबह का टाइम है, मैंने रात में कहीं निकाला था। और ये ना कुछ इस तरीके का धुल का तैयार है, दिखा देती हूँ कितना धोया है या फिर नहीं धोया, क्योंकि कल हमने टैबलेट यूज़ किया था। ये रहा, ये रहा, वो टैबलेट भी नहीं धो पाया भाई ये तो, क्योंकि जल गया और इसमें मैंने पानी भी नहीं डाला था। तो जब तक आपके लिए एक ही सलाह है कि जब भी आप बर्तन धुलवाने की कोशिश करें तो पानी ज़रूर डालें। ये देख सकते हैं थोड़ा हल्का सा निशान है, तो वैसे इट्स ओके। अरे ये तो वैसे इतना गंदा नहीं था, तो सूखने के लिए छोड़ना है। ये रहा चाय का भगवाना, वो जल गया एक्चुअली नीचे से, इस वजह से शायद वो धुल नहीं पा रहा। अरे ये रहा, इसको मुझे अभी चाहिए। ये रहा, ये रहा कप, ये रहा। सो आई रियली होप कि आपको ये यूजफुल वीडियो लगे। एक्चुअली ये सब अभी सूखे और सूखना है, इनको थोड़ा सा पानी है देख सकते हैं। तो अगर आपको जैसे इस तरीके का पानी दिख रहा है तो आपको क्या करना है, थोड़ी देर इसको ओपन करके छोड़ देंगे ना, सब सूख जाएगा। सो आई रियली होप कि ये रिव्यू आपको यूज़फुल लगा। थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय।